So our next session is called Story Ke Peechhe Kya Hai. And we have with us Viveck Vaswani in conversation with Sandeep and Umashanker Yadav. So without further ado, I would like to call all the speakers on stage. And we begin the session immediately. It's going to be a really interesting one. तुमने कहा था ना कि कोई तुमको
पांच लाख रुपए देगा तो पिक्चर बना के ये पांच लाख रुपए जाओ पिक्चर बना। तो मैंने कहा ओके घर चले गए हमने पांच लाख रुपए का चेक किया। माय फादर पेस्ट कर दिया इसे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पिक्चर कितने में बनती है मुझे नहीं पता इसे मुझे भी नहीं पता कल वापस जाओ चेक वापस दे दो। मैंने कहा देना ही पड़ेगा ना क्या तो अगले दिन मैं जा ही रहा था फोन बची उन दिनों में ये सारी चीजें नहीं थी काला वाला फोन था। मैंने उठाया मेरे दोस्त थे स्कूल के मित्र थे अनंत बलानी साहब। हेलो विवेक वेयर आर यू मैंने कहा मैं तो घर में तुम कहां हो इतने सालों से। इसे मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में गया था डायरेक्शन का कोर्स कर रहा था तो मैंने झट से बोला तुम मेरी नई पिक्चर डायरेक्ट करोगे मैं तुमको 11 रुपए दूंगा। इसे हां तो मैंने बोला यार 5 लाख भी है डायरेक्टर भी है तो मैंने चेक वापस नहीं किया मैं रखो यार दो दिन क्या बलानी साहब ने बोला कि विवेक जी देखिए मैं फिल्म शूट में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं दीपक सहगल जो मेरे एडिटर थे अब दीपक साहब के फादर मोहन सहगल बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे और दीपक साहब की गर्लफ्रेंड उस वक्त गर्लफ्रेंड थी अब तो बीवी है उनका नाम था बेला भंसाली और बेला जी के भाई थे जिसका नाम था संजय भंसाली। तो संजय जी और बेला जी और अनंत जी आ गए एडिटिंग टीम में वो भी पैसे नहीं देंगे अब एडिटर भी था डायरेक्टर भी था 5 लाख भी लगा रखे थे। उन दिनों में मैं थिएटर कर रहा था मैं बहुत कामयाब प्ले कर रहा था इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्ले कॉल्ड 9th of January 16th बाय एन रैन इट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय रॉनी स्क्रूवाला जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। इट वाज बीइंग डायरेक्टेड बाय पर्ल पदम सिंह हु इज डेड नाउ बट शी वाज माई टीचर इन स्कूल। तो मैंने उस रात को परफॉर्मेंस था मैंने अनंत जी और दीपक जी और बेला जी को बोला तुम लोग आके प्ले देखो उसके बाद जाके कहीं डिनर खाके सोचते हैं क्या बनाना। प्ले करते करते मैंने सोचा यार कोर्टरूम ड्रामा है नो सॉन्ग्स नो कॉस्ट्यूम्स नो लोकेशन चेंज एक ही लोकेशन में लोग बात करते हैं पिक्चर तो इसकी बन सकती है दे ऑल्सो थॉट कोर्टरूम ड्रामा गुड आइडिया। तो अनंत जी के एक दोस्त थे वो 300 रुपए में वो 9th of January 16 का स्क्रिप्ट हिंदी में ट्रांसलेट करके 3 दिन में दे दिया। अब स्क्रिप्ट भी था डायरेक्टर भी था एडिटर भी था प्रोड्यूसर भी था 5 लाख रुपए भी थे देखो मैंने कहा यार ये तो अच्छा है आई वाज बोर्न टू बी अ प्रोड्यूसर। 9th of January 16 वाज अबाउट टू प्रिंसिपल वुमेन टू लेडीज वन हु वाज द डेड मैनस वाइफ वन हु वाज द डेड मैनस मिस्ट्रेस। डेड मैन इज डेड has she killed him or has she killed him? तो अनंत साहब तो फिल्म इंस्टीट्यूट जाए थे he started talking शबाना आज भी दीप्ति नवल मैंने कहा अंकित छोड़ो बैठो ये शबाना जी और दीप्ति जी और स्मिता पाटिल जी और प्रेसर सो शी वाज लाइक इन दोस ये हमको ना नहीं बोलेंगे क्यों बोलेंगे आज फिल्म है छोटी बजट है हम लोग नए हैं वो हमको सपोर्ट करेंगे लेकिन वो 10 लोग उनको भी सपोर्ट करते हैं तो बोलेंगे हम लोग 5 लाख रुपये जो हमारा फी है 8 लाख है वो नहीं देंगे 50,000 तो लेंगे वो भी नहीं है हमारे पास देखो हमको यहां तो बिल्कुल ब्रांड न्यू चाहिए एक्ट्रेस यहां तो इतनी बड़ी स्टार कि वो फिर निकाल कर तो अनंत जी स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू कमर्स आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर स्टार्स। चार नाम मेरे मन में है हेमा मालिनी शी वाज वेरी बिग रेखा शी वाज ऑल्सो वेरी बिग जीनतमा शी वाज ऑल्सो वेरी बिग प्रवीण बाबू शी वाज ऑल्सो वेरी ये चार नंबर वन और नंबर वन थे बाकी सब नंबर टेन के पीछे मौसमी चैटर्जी रीना रॉय जो भी थे। तो मैंने सोचा यार ये रेखा जी सो भी नहीं सुना है टेंट्रम वगैरह आउट हेमा जी की इंग्लिश वगैरह ये पॉश पिक्चर है आउट। अब जीनत और प्रवीण दोनों बिल्कुल फिट होते हैं तो मैंने जीनत अमान को चुना क्योंकि वो टाउन में रहती थी प्रतीक बाकी जो में मैंने कहा जो का जाएगा पहले टाउन में प्रतीक अगर हो होता है तो वो पैसे भी बच जाते हैं जो वाले। तो पहुंच गया जीनत आंटी के घर ये स्क्रिप्ट है मैं नया हूँ प्लीज कीजिए मेरी पिक्चर मेरे पास पैसे नहीं है। शी सेड ओके आई विल लेट यू नो वेरी गुड। फिर मैंने कहा मुझे कन्वेंस करा कि पैसे नहीं है शी सेड डजंट मैटर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा कि कॉस्ट्यूम के लिए भी पैसे नहीं है तो धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया लेकिन आई एम स्मार्टर मैंने इसको वहां छोड़कर फिर मैंने आया शी मस्ट हैव रेड इन द नाइट शी कॉल्ड मी शी सेड व्हाट डू यू मीन कि कॉस्ट्यूम के पैसे नहीं है। मैंने कहा सी फिर मैं कॉस्ट्यूम वाले के पास जाऊंगा वो पैसे देगा फिर आप कहेंगे ये फिट नहीं होता है वो फिट नहीं होता है मेरे कपड़े निकालो
नहीं यहाँ पे, तो मैं गया रंजीता कौर के पास, मैंने कहा सीनियर चीफ जी ने काम करने आप पैसे नहीं दे सकते हैं, फिर दो वकील चाहिए, तो तनुजा जी के पास गया और मैंने कहा कि जीनत जी और रंजीता जी पैसे नहीं दे रहे हैं, आप कैसे दे रहे हो, दे सकती हैं लेकिन हाँ ऐसे तो भी होता है, उसने भी हाँ बोल दिया। विक्रम गोखले साहब थे द अदर लॉयर, वेरी सीनियर लॉयर, उसने भी हाँ बोल दिया, तो मैंने चेक कैश कर दिया। जिस दिन वो चेक बैंक में गया, राजीव नैरा के फादर चीखने लगे, इतना चीखा कि शायद पूरी कंपनी ने सुना दिया कि ये क्या है। तो राजीव जी ने कहा मेरे दोस्त ने पिक्चर बना दी, हमारी ही पिक्चर बना, हमारे बैनर ने पिक्चर बनाई, हमारी पिक्चर है, लेकिन इसे तुमने 5 साल में कौन पिक्चर बनाया, बोला उसको। तो राजीव नैरा ने मुझे फोन करके बोला सर भाई देखो गेम इज अप नाउ, जोक इज ओवर, डैडी वांट्स टू, मैंने कहा मैंने पिक्चर कैसे दे डैडी, इसे डैडी वांट्स टू, मैंने कहा ओके। पहुंच गया डैडी के पास, डैडी का रेपुटेशन है कि इंडस्ट्री में नंबर वन कंजूस मैन इज एफसी मैन, ही वाज नोन एक बोटी दो रोटी, इंडस्ट्री में उनका नाम था। और कोइंसिडेंटली एंड आई नो इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज बिकॉज़ लेटर ऑन इन लाइफ आई ग्रो क्वाइट फॉन्ड ऑफ हिम, बट ही वाज नॉट नोन एज अ मैन हु वाज गुड विद मनी, वेरी स्ट्रिक्ट। उसने मुझसे पूछा भाई तुमने पिक्चर बनाई है, तो मैंने कहा अच्छा 5 साल की पिक्चर बनती है, होगी बना रहा, तुम्हारी उम्र कितनी है, झूठ बोला मैंने कहा 19, इधर अच्छा 19 साल में कौन पिक्चर बना था, मैंने कहा राजकोट में भी बनाया शायद बनाया था, मैंने तो बोल दिया था देखेंगे आगे बाद में क्या होता है। उसने कहा अच्छा तो ये तुम्हारे 5 लाख के मैग्नम ओपस में काम कौन करेगा। तो मैंने अपना पूरा ब्रह्मस्त्र देख के उसके मुंह में फेंक दिया, मैंने कहा जीनत आओ। अब मुझे नहीं पता था कि जीनत जी उन्हीं की बिल्डिंग में रहती हैं, वो 8 माले पे थी तो ये 9 माले पे थे, और जीनत जी इनकी 4 पिक्चरें कर चुकी थी, मार्केट प्राइस से कम होकर मेरा साथ है, लेकिन वो 15 लाख लेती थी तो इनके लिए 11-12 लाख में करती थी पिक्चर। तो ये जीनत जी आपकी 5 लाख वाली पिक्चर में काम कर रही है। उसने सेक्रेटरी को बोला तो उसको जेल भेजे कि जीनत जी को फोन लगा, मैं भी बात करूँ जीनत बात। तो जीनत जी का लगता है everyone wanted to pinch my cheeks like this.
a cute boy who in front of five superstars and he's not even 18 years old and he has lied to everyone. I cried. मैं तो पूरा ऐसे रोने लगा, सब रुक गए. जीना जी ने कहा, no, darling, don't worry, so tomorrow you come to the set in my car. तनुजा said, no, you don't cry, मैं खाना दे आता हूँ सबके लिए. बन गई पिक्चर. My reputation, my career, everything got made. I learned most from that picture. It is called गवाही. जिन जिन के पास Amazon Prime है, आज भी Amazon Prime पे चल रही है. It is one of the highest viewed films. It is the only film which stars Shekhar Kapoor, Oscar-nominated man, and Ashutosh Gawalkar, Oscar-nominated man. आपने बहुत बढ़िया कहानी सुनाई. संगीत जी भी नए हमारे और इन्होंने इन्होंने अभी फिल्म बना लिया है और रिलीज करने वाले हैं. तो ऐसे संगीत जी आपका इनके लिए कुछ क्वेश्चन है, बिकॉज आपको हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर ऑलरेडी प्रोड्यूसर इन मेकिंग तो मेकिंग अभी. So the struggle he has faced, are you also facing the same kind of struggle in the initial days? Ya aapki kuch alag kahani hai? Hello. Vivek ji ne bahut hasaya aap logo ko, main hasa paun bata nahi sakta. But is dono kahaniyon ka moral le lunga jo main sunane ja raha hu. Vivek ji south Mumbai mein jisme town kehte hain, wahan paida hue bade hue. Jab koi bahar se Mumbai aata hai, town mein rehna uske liye अपने जैसा होता है. तो मेरा खुद इस साल में पुरानी में सदर में रहता हूँ. तो मैं बम्बई से 1800 किलोमीटर दूर यूपी में उस वक्त रह रहा था, जहाँ से बम्बई पहुँचना ही मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था. एक्चुअल बनाने से ज़्यादा स्ट्रगल था मेरे लिए मुंबई पहुँचना. मुंबई कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, कुछ पता ही नहीं. पहला काम मैंने किया कि मुंबई के स्टेशन रटे, चर्च गेट से बोरीवली तक के सारे स्टेशन मुंबई आने से पहले मुझे रट चुके थे. कुछ फीडबैक था लोगों ने कोऑपरेट किया, पैसे कम लिए और अपनी तरफ से उन्होंने
बहुत डेडिकेशन किया मेरा जो काम 50 दिन में होना चाहिए तो 40 दिन में हुआ और बहुत तरीके के लोगों ने सपोर्ट बहुत तरीके की होती है चाहे फिल्म हो चाहे जिंदगी हो कहीं पैसे से मदद होती है कहीं मॉरल सपोर्ट होता है तो सपोर्ट बहुत प्रकार का होता है आप जब मुसीबत में हो कोई अगर आपको सिर्फ दिलासा दे दे तो भी और एज अ जेन्युइन डायरेक्टर बहुत मैटर करता है कि सेट का एटमॉस्फेयर कैसा है तो फिल्म मैंने भी इस तरीके से कम्प्लीट की है तो बस वही है कि कोरा लेती है कि फिल्म बनाने के लिए पागल बन चाहिए उन्होंने पागल बन किया कि 5 लाख में फिल्म बना के दिखाऊंगा तो बन गई और वो एक लैंडमार्क है आपको दुआ कीजिए कि जो मैंने कोशिश की है वो भी एक लैंडमार्क बन सके कम से कम विवेक जी का अगर आधा भी मैं अचीव करता है तो मेरे लिए बहुत बढ़िया ये ऑडियंस से क्वेश्चन पूछता हूँ कितने लोग विवेक जी और शाहरुख खान की कहानी के बारे में जानते हैं हाउ मेनी अराउंड 3-4-5 लोग विवेक जी आपको बतानी पड़ेगी पूरी कहानी बिल्कुल विवेक जी हो और शाहरुख खान की बात करो तो हो ही तो गवाही के बाद अनंत बालानी साहब बहुत दुखी थे कि तुमने इतनी छोटी पिक्चर मुझसे बनवाई तो मैंने कहा ठीक है हम बड़ी पिक्चर बनाएंगे और वो बड़ी पिक्चर थी पत्थर के फूल जिसमें मैंने रवीना टंडन को लॉन्च किया और जिसमें मैंने सलमान खान को कास्ट किया सलमान खान को इसलिए कास्ट किया क्योंकि मैं चुप चुप के राजश्री में पहुंच के वो चौकीदार को थोड़ा सा रिश्वत लेके मैंने जाके दो रील मैंने प्यार किया के देखे तो मुझे अच्छा लगा मैंने कहा ये लड़का कर सकेगा तो मैंने हाँ बोल दिया तो सलमान और रवीना को लेके एक बड़ी म्यूजिकल आनंद बनाई उसमें असिस्टेंट्स थे संजय गुप्ता संजय गटवी विनय जैन आशुतोष और हमारी लास्ट वेव शूटिंग थी पत्थर के फूल की लिंकिंग रोड पे संजय गुप्ता आके बोलते हैं भाई तुम खानदान सीजन में हो ये दोनों तो अभी तक नए हैं लेकिन तुम्हारी वजह से सब क्राउड हो गया तुम कहीं जाके बैठो तुम्हें कॉफी शॉप पे जाके बैठो तो वहां का वेटर आके बोलते हैं साहब वहां टीवी स्टार बैठे हैं उसको एक सिगरेट चाहिए मैंने देखा मैंने कहा ओके आप भी टीवी स्टार है वो भी टीवी स्टार है तो बनता है मैंने कहा ओके मैंने एक सिगरेट दिया फिर दूसरा फिर तीसरा खुद आके दिया इस टाइम शाहरुख मैंने कहा बैठो बैठा मैंने कहा भूख लगी है इसने कहा भूजी पाव खाया दोनों ने तब तक 6 बज के शूटिंग खत्म हो गई सत्य का दिन था लेकिन रोड से संडे के दिन शूट कर सकते हैं तो संजय गुप्ता सलमान रवीना सब आए हलो पैकअप करके चले गए मैंने कहा ओके बाद आई से कहाँ जा रहे हो तो मैंने कहा संडे शाम है मैं जाके पिक्चर देखूंगा स्टर्लिंग सिनेमा एक पिक्चर रिलीज हुई है एबिस By James Cameron, मैं भी आऊंगा चलो तो चलो हाउसफुल तो ब्लैक में भी मैंने टिकट खरीदे नए सिगरेट का पैकेट भी मैंने खरीदा और पॉपकॉर्न भी मैंने खरीदा 1 बजे रात को पिक्चर खत्म हुई मैंने कहा टाटा इसे 100 रुपए दो मुझे वापस बांद्रा जाना है अब उन दिनों में क्रेडिट कार्ड वगैरह तो थे जितने पैसे चले गए सिगरेट भी मैंने टिकट पॉपकॉर्न ब्लैक सब मैंने कहा मेरे पास तो पैसे बचे नहीं चलो मेरी गाड़ी में बैठो मैं छोड़ दूंगा गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था मैंने कहा ओके चलो नो प्रॉब्लम घर जाते हैं और मेरी मम्मी नॉर्मली लेट सोती है शी हैज गॉट इंसोमनिया उससे 100 रुपए ले लेते हैं घर गए तो मम्मी भी सोई हुई थी तो मैंने कहा चलो तुम रात को यही सो जाओ और कल चले जाना ओके सो गया और फिर 2 साल तक गया नहीं रह गया जब दिल्ली जाता था जब दिल्ली नहीं जाता था तो मेरे घर में आके रहता था तो उस वक्त उनको फिल्मों में काम नहीं करना था बिकॉज ही हैड अ गर्लफ्रेंड कॉल्ड गौरी और ही डिड नॉट वांटेड टू एक्ट बट आफ्टर हिज मदर डाइड ही वांटेड टू एक्ट तो ही केम टू मी एंड ही सेज कि मैं आपके घर में रहूंगा लेकिन अगर आप मुझे लॉन्च करेंगे तो मैं अंदर आऊँ मैंने कहा तुम्हारा दिन आया 4 बजे सुबह कल इसका सक्सेस नहीं अगर तुम मेरे लिए पिक्चर नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं हूँ तो मैंने कहा बनाता हूँ तो अंदर आ गया नीचे चले गए सेम कॉफी शॉप में प्रेस एंड वी रोड राजू बन गया जेंटलमैन और पत्थर के फूल खत्म होने के बाद आई प्रोड्यूस राजू बन गया जेंटलमैन तो गवाही के बाद पत्थर के फूल के बाद राजू लकीली ऑल 3 फिल्म्स आर वेरी सक्सेसफुल रवीना पत्थर के फूल के साथ बहुत बड़ी स्टार बन गई शाहरुख राजू बन गया जजमेंट के बाद बहुत बड़ा स्टार बन गया एवरीवन लुक हैप्पी एवर आफ्टर लेकिन इट वाज नॉट इजी बिकॉज
पत्थर की फूल के बाद सबने उम्मीद की कि मैं सलमान के साथ एक पिक्चर बनाऊं। सलमान को खुद समझ में नहीं आया, सलमान के फादर ने मुझे बुला के बोला कि मेरे बेटे ने क्या कहा कि तुम इसको लेके पिक्चर बना रहे हो। मैंने कहा मैंने वादा किया है पिक्चर को बनाऊंगा। खैर बन गई, हिट हो गई, एवरीवन गॉट हैप्पी एंड इट्स बीन व्हाट 26 इयर्स ऑफ राजू बंकिया जेंटलमैन एंड इवन नाउ इट इज अ कल्ट फिल्म। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी पहली तीन पिक्चर तीनों कल्ट फिल्म हुई एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल अवेलेबल ऑल ओवर द प्लेस। हर सेकंड डे वी आर वाचिंग देम ऑन सैटेलाइट, दे आर ऑन Amazon, दे आर एवरीवेयर एंड आई रियली व्हेन आई लुक बैक आई फिगर दैट आई जस्ट बीन लकी। मैंने तो एक्चुअली कुछ किया नहीं, सब अपने आप हो गए। गॉड इज गुड। तो हम लोग बैठे थे डिनर टेबल पे, तो संदीप जी मेरे से पूछ रहे थे कि विवेक जी से एक बात पूछेंगे कि अभी आज के टाइम में जो स्पायरिंग एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं मुंबई में, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में उनका क्या स्टेटस है? अब कुछ लोग तो अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, कुछ लोग संदीप नाथ जी जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने इनको काम मिल जाता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर राइटर बन जाते हैं, पर जो लोग जाते हैं वहाँ पे बाकी लोग छोटे शहरों से लड़के लड़कियां आ रहे हैं, इंडस्ट्री बड़ी हो चुकी है, टीवी आ गया है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में जो आपके आपका नजरिया और आपका एक्सपीरियंस उस पर क्या किस कहानी को कैसे बयान करना चाहते हैं? मैंने शाहरुख को क्लियरली बताया कि तुमको एक्टिंग वगैरह करना है, ये मुझे सारी चीजें समझ में नहीं आती है, तो मैंने ऐसे जाऊँ स्टार बनना है तो बैठ के सीखो। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ एक्टिंग कैन बी टॉट, बिकॉज ईदर यू कैन और यू कांट। इट कैन बी पॉलिश इफ यू हैव द इनहेरेंट नॉलेज ऑफ इट, बट इट कैनॉट बी टॉट। Unfortunately, we are in a position, and this is one of the reasons why I have today become a teacher, and I'm teaching in four colleges, and I'm a lecturer. So from an actor to a producer to a teacher, there's been a transition. But you must understand one thing very clearly. Who, in your opinion, is a better actor, Jitendra or Nasiruddin Shah? Nasir. Logically, he is. Who gets paid more? Who's given more hits? More Jubilee hits? Who's richer? Who's a star? What has acting got to do with it? What has acting got to do with it? If we pay Naseem Saab 1 crore and if we pay Salman Khan 50 crores, then the finest actor in the country's worth is 2% that of the biggest star. So obviously acting is not the job. Logically it is two separate jobs. One person's job is to act, good, bad, and his job is to act. One guy's job is to make a profit for his producer. It's two completely separate jobs. Everyone comes to Bombay to learn Salman's job. Everyone is taught Naseem Saab's job. Nobody is taught that it's two separate jobs. Then they are lying in the beginning and they are suffering because they didn't use their common sense, they didn't use their brains, they didn't know what to do, and the teachers didn't know how to teach them. It's a lack. I teach them the difference, which is why everyone talks by me. शाहरुख, रवीना, मुकुल देव, मोहम्मद ईरानी, आशुतोष, संजय करवी, संजय गुप्ता, अजीज मिर्जा, अनंत मलानी, राहुल घोष, अनंत महादेवन, आई डोंट नो, नन ऑफ देम हैव फेट, बिकॉज आई डू नॉट टीच देम देयर फेक जॉब, आई टीच देम देयर रियल जॉब। डू आई गिव अ डैम व्हेदर यू कैन डू दिस? देयर आर सर्वेंट्स टू डू इट। इज इट योर जॉब टू मेक अ प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर? इफ दैट इज द केस, हैव यू लर्न्ड? How do we? When you go to Jet Airways and you say, I want a job, the man taking the interview says, what job? You say, I want to be a pilot. To which he asks,
what is the job of a pilot? To which you say, flying planes. Fair enough. Now, whether you know how to fly the plane or you don't know how to fly the plane is a separate issue. If you don't know how to fly a plane, go learn and get yourself a license. But they come here, they don't even know what the job is. How then will you succeed when you don't know what your job is? Your job is not to say action and cut as a director. Your job is to sell tickets. Your job is not to be able to give a performance. Your job is that your signature on a contract should be able to sell the film and make a profit for the producer even before the script is written. Hello Sarva, hi Vivek. Let's do a film. Okay, I'll charge you 50 crores. Okay, I'll take 10% now. Okay, I have dates in 2022. Okay, here's the letter. Here's the 20% of 50, which is what, 10 crores? Now I go to Elon or Fox or anybody. Hello Ji, 5 words. Salman Khan, April, May, 2022. Yes, no, 5 minutes. Yes, how much? 150 crores. Okay. How much is 20%? How much did I pay Salman? What have I left with? What am I doing for 20 crores for 3 years? Now, I signed a series which are for 1 lakh. It's a script now. जाएंगे ढूंढेंगे भाई स्क्रिप्ट वाला बोलेगा डायरेक्टर कौन है जाके ढूंढेंगे भाई फिर राइटर और स्क्रिप्ट राइटर बैठ के दिमाग खराब करेंगे फिर स्क्रिप्ट बनेगा फिर पहुंचेंगे फिर नसाब फोन करके पूछेंगे शुड आई कीप अ बियर्ड और नॉट आई डोंट केयर डार्लिंग डू व्हाट यू वांट एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ दिस क्रिएटिव एक्सरसाइज आई विल गो टू इरोस फॉर द सेम थिंग अवार्ड विनिंग नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर दे से फैंटास्टिक Go make the film. After making it come back, then we'll see whether we want to distribute it or not. Correct? Okay, sir. Now, if I pay Mr. Shah 1 lakh rupees, then he's 20 crores and 1 lakh more expensive than Salman. I can't afford it. Everyone makes the big difference, the big mistake of thinking that cinema has something to do with art, craft, creating. There is nothing. It's a business of selling tickets. It's a business of selling territories. It's a business of selling rights. It's a business. Unfortunately, all these schools and acting schools and media schools and institutes, they are teaching cinema as a subject as opposed to cinema as a profession. They can't teach cinema as a profession, they can't talk about cinema as a profession until they are inside the profession. From the outside, would you believe we are teaching all our school students cinema and theory and craft and light and content and all? Then they will all become film critics. Not one of them, after they leave film school, is capable of going to Zinat Aman's house and saying, I can do for you, free, I love you. They have not been taught that. They go to the institute and they are taught camera angles. They are not taught how much the camera costs per shift. They are just not taught. Which is why I turned up and I became a teacher. And now I teach in various media schools and my students don't care. I go straight to the point. And I teach them how to be successful. As far as the rest are concerned, it is unfortunate. But I think there is a big lacuna in media and entertainment education. We just don't have the right teachers, we don't have the right education. I have a little different question to you. You said that you are coming from a very smart man. And one of the established player in Bollywood film industry. So is there any kind of any system exists there? Eventually they are from South Mumbai. And there are the people coming from small towns. I must tell you, from Campion School to Cathedral School in South Bombay, with my accent and the people looking down on cinema, it's a harder battle to enter the film industry from Cuff Parade than it is to enter from Uttar Pradesh. Let me tell you that very clearly also. So, at least you knew Hindi. I didn't know 3 words of Hindi then. Yeah, so this is the advantage people have from South Mumbai and maybe from Sankai area of Ahmedabad, or maybe from Lieutenant Delhi, Lieutenant area in Delhi.
So those who are coming from the hinterlands of Uttar Pradesh or maybe from Bihar or coming from some other places, do they struggle the whole life with the LHC system, or they just get into that kind of core group and they become part of that LHC system, or they find a kind of discrimination there? After you have been successful there, what is your story? So, देखिए इसका जवाब मैं खोल के मजेदार तरीके से देता हूँ. कहीं से भी आप आओ, दो चीज साथ में चलती है, वो है एक बेवकूफी और एक समझदारी. इसका छोटे शहर और बड़े शहर से कोई संबंध नहीं है. बेवकूफ बड़े शहर में भी होते हैं और समझदार छोटे शहर में भी होते हैं. इनफैक्ट छोटे शहर के लोगों को बहुत सी छोटी छोटी चीजों को झेलना पड़ता है, तो जिसे स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं अंग्रेजी में, जिसे मैं सड़क छाप कहता हूँ. वो सड़क छाप समझदारी छोटे शहर के लोगों में बहुत ज्यादा होती है. सिर्फ उसको थोड़ा कवर करके मैटरल में जैसे हम लोग बड़ा पाव बेचते हैं, उस स्टाइल में पेश करना होता है कुछ लोगों को, जिससे वो बिक जाए. तो सर अभी तक पिछले की बात समझा रहे हैं. और मैंने तो सबसे पहले आके देखा कि भाई इसके पास इसका सब कुछ बढ़िया, इसकी टांग लंगड़ी है, तो मैं उसके बाद अपनी टांग बांध दी उसके साथ. तो जिसको कम अंग्रेजी आती थी, पैरा डायरेक्टर मैंने पढ़ा रामगोपाल वर्मा, उन दिनों वो बहुत लोगों को मौके दिया करते थे. जब मैं इंडस्ट्री में आया, उसको ऑफिस के बाहर 500 आदमी लोग खड़े रहते थे हर वक्त, और उसने असिस्टेंट डायरेक्टर कम रखे हुए थे, बॉक्सर और गुंडे ज्यादा पाले हुए थे, कोई ऑफिस में घुस ना जाए, टाइम वेस्ट ना करे. तो मैंने कहा यार कि इस आदमी से किस तरह से मिला जाए. तो जैसे मैं मिला, वो एक लंबी कहानी थी, लेकिन जैसे ही मिला, एक बात मैंने उसको कम्युनिकेट कर दी कि जो चीज आपके पास नहीं है वो मेरे पास है, वो है हिंदी, जो मेरी लैंग्वेज है, और मैं हिंदी में सोचता भी. और आप देखेंगे ध्यान से, रघु जी की ज्यादातर फिल्मों के नाम बड़े विशुद्ध हिंदी में है, निशब्द, सत्या और सरकार, तो इस तरह काफी फिल्मों के नाम उनके, नाच, सब विशुद्ध हिंदी के और साहित्यिक शब्द है. मुझे याद है जब वो निशब्द बना रहे थे, तो मुझे बुझाया संदीप नाथ सर की, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ निशब्द, इज इट साइलेंस, मैन नो सर, इट इज स्पीचलेस. और अच्छा चल रहा है, उनको समझ, तो वो नजरिया उनका बदला. और तो इस तरीके से वो जो बात सही है कि अगर अच्छा, एक मजेदार बात है बॉलीवुड के बारे में कि एक बार अगर आपने अपना वर्क, वो जिंदगी के बारे में भी है, अपना वर्क समझा लिया लोगों को कि मैं काम की चीज हूं भाई, ये समझाने की जरूरत है कि मैं काम की चीज हूं. चाहे आप शाहरुख साहब की तरह के घर में जबरदस्ती घुस के रह के बताएं, चाहे वो यश जी से प्लेन में चले गए थे मिलने के लिए, उधर किस्म का था वैसे सुना है, किसी भी तरीके से आपको ये कम्युनिकेट करना वैसे ही पूरी दुनिया पे लागू होता है कि मैं काम की चीज हूँ भाई. जैसे ही सामने वाले को पता चलता है ये काम की चीज है, और अगर उसे इस चीज की जरूरत है तो आपको ढूंढ लेगा. मुझे बंद कमरों में 500 बड़े डायरेक्टरों ने कहा, यहाँ की लाइट बना दिया, अथा करा दिया, चांद की लाइट बन गया, 500 डायरेक्टरों ने कहा, मैंने खुद सुना इस बात को. वो अलग बात है कि जिस दिन म्यूजिक रिलीज होगा तो आए नहीं जाएंगे, दोनों से भाग जाएंगे, हर जगह अपनी फोटो खिंचवाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये कहा है उन्होंने. तो मैं ये समझ गया कि आप काम के आदमी होने चाहिए, आप कहीं से भी आए हो. और बॉलीवुड जो है फौज के बाद सबसे खतरनाक जगह, जहां पर दो ही चीज है, या जीतो या मरो, हारने का कोई काम ही नहीं, वो हारे को मरा नहीं माना जाता है. तो या तो आपको जीतना है या मरना है. तो ये फौजी वाले गुण है. और यहां पर एक ही चीज काम आती है, वो है पराक्रम. और पराक्रम की हर जगह पूजा होती है. तो पराक्रमी लोगों को, और पराक्रमी कोई भी कहीं पैदा हो सकता है, छोटा शहर हो गया, बड़ा शहर, अगर मुझे लगता है उसका से कोई, और हर आदमी अपने इलाके का पराक्रम लेके आता है. लोकल टू ग्लोबल की जर्नी है पूरी दुनिया में. तो बस यही है सर, फिर हमें तो दिक्कत नहीं है सर. मेरे को तो सबसे कम स्ट्रगल मुंबई पे पहुंचने के बाद हुआ. बम्बई तक पहुंचने और पहुंचने के थोड़ा, मेरे गांव में जब मैं पहुंचा बम्बई जाने के बाद, लोगों ने यार तुम तो वकील हो, पुलिस की नौकरी भी तुमने छोड़ दी, तो वहाँ वहाँ तो चले गए. तो अगर मैं उसको ये कह देता कि मैं बॉलीवुड के लिए वहाँ गया हूँ, तो मेरी बड़ी मजाक बनती. मैंने उससे कहा यार वहाँ पर ना समुद्र जहाज के मुकदमे चलते हैं, ये कैसे मुकदमे, मैं समुद्र जहाज आपस में लड़ जाते हैं तो डूब जाता है, किसी का माल गिर जाता है, इसके मुकदमे चलते तो बड़े पैसे मिलते हैं. वो केस लड़ो, वहाँ भी एक कहानी बनाई है. उसके लिए मैं मुंबई चला गया, यहाँ छोड़ के बड़े, यहाँ गुंडागर्दी तो यहाँ पर है, लड़ाई झगड़े यहाँ होते हैं, मुकदमे तो यहाँ होते हैं, तो वहाँ तुम बम्बई में कहाँ चले. तो मैंने कहा मैं इसीलिए गया मुंबई में, क्योंकि वो समुद्र जहाज के मुकदमे चलते हैं. फिर जब फिल्में आ गई और कुछ अखबारों में छप छप आ गया, तब लोगों को कई सालों के बाद ही पता चला कि मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूं. अभी विवेक जी से एक इनका जो बहुत ही पैशनेट वर्क है उसके बारे में बात करते हैं. आपका जो रफ वर्क है जो पर्टिकुलरली बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को बहुत इंस्पायर करेगा,
रबर के बारे में कुछ बताइए आप। हेलो of education.
They're not students anymore, they're customers. In my days, a teacher used to hit me. I used to go cry to my mother, she said, go teach, you must have done something bad. Our parents were most unsympathetic. Teacher means he's God, you let him do what he likes, he's the deliverer. Today, if you touch a student like this, then we have got kids. We are, as parents, not doing justice to our children because we are paying such a big fortune. We are expecting that that money will translate into knowledge, into wisdom in their head. Won't. And now that they have Google, what they don't need is teachers, what they do need is mentors. And there is a very big difference between teacher and mentor. I worked with 92 slum kids last year. Horrid children. They had knives. They would have killed me. But they fell in love with me. I told you I was stupid than Justin Bieber. All 92 are employed today. And earning more than their fathers and mothers. What could I teach them that the whole education system couldn't teach them? Because I didn't teach them. I mentored. I talked to them. I pointed out that what I'm doing is for their future, not for mine. I pointed out to them that my future is behind me, their future is in front of me. And that is now what I'm doing. We are making a rough book too. I'm making a few movies a year. I'm also acting in various books. But it is very important for us to realize, and a lot of you who are students here, to understand that you have to go and review your entire life in your head so that you can decide what you want to do, because it's about your future. That, I think, is very important. And a lot of things, and I must point this out, my film industry, you have no idea how much money you can make. Do you know how much a dancer earns in my industry? You know the group dancers who dance behind the table? Any guesses? No idea. 12,000 rupees per day. And that is 8 hours, and your shift extends to 16,000 rupees a day. And if it's a Salman Khan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, conveyance is separate, food is separate, laundry allowance is separate. If you are just a group dancer but you are good at dancing, you are the kind of person who can make 30 to 35 lakh rupees per year. If you are an MBA, you can make 8 lakh rupees a year start. Figure it out. Just figure out. My makeup man, when I was there in Bhula Gangya with Shah Rukh and Sushmita, the key contractor would come, do Sushmita's face once, take 1.5 lakh rupees for that one day's work and go home. Makeup. There's a friend of mine called Amit, he went to L'Oreal school, okay? He wanted to play with his father's hair one month. So, my son wants to do my hairdresser. I said, so is he dying? That's not the point. He was a Gujarati man, so I know Gujarati, there was a doctor that said, I said, my hairdresser. So I said, you should become a stockbroker. Yes. Amit is charging 40,000 rupees per day today to do hair. He travels business class. He's earning double what his father's ever done in his life. His father's the happiest man because finally economics ruled over. Understand that the media business today has the maximum number of highest paying jobs in the world, provided you are qualified, and that's the question you are asking for people coming to Bombay. They're not qualified. All of them, they say that they have a passion for cinema. All of them. Sir, God promised I have a passion. I die. To the bachpan ka sapna tha. Ask them how many films Raj Kapoor has directed and that passion goes into the country. They don't know. Ask them how many cinemas there are in India. They don't know. Do you want to be launched by Aditya Chopra? Yes. I'll pick up the phone and talk to him like I talk to Shah Rukh. Yes, sir. What will I do if you slap him on his face? No, sir. I respect him. Naturally, he's Aditya Chopra. Of course, I respect him. Alright, how many films has the father directed? No. Which was the first film Yash Chopra directed? In which year did it come? In which cinema did it come? Oh. If you don't have that much respect, then understand the golden rule of success. If your passion hasn't translated into knowledge, it's not passion. There are friends of mine who are crazy about cars. I don't know cars. I travel by bus even today, I travel by train even today. Doesn't matter if I have to wait 1 hour in a bus line, but I don't like carbon footprint, that's no me. But my friends who know what, they know BMW, Mercedes,
4 team trials, 8 years. Who knows what those things are, but they know everything about cars. For everybody. Those are my friends who are passionate. For everybody, he refused to take even business class from us. He said, I am coming in a normal class. I don't need business class. I said, I can offer you business class today. He said, no, yeah, okay. Yeah, it's 50 minutes, yeah. By the time I stand in a line in my bus line, and I reach Church Gate, and then I take a train to Andheri, and then I take a bus to my office, tab tak to Ahmedabad pahunchi gaya na. Kaise to aata, there was no problem with the thing. Having said that, you must understand this thing. Those of my friends who say they have a passion for cricket, they know everything. Who's Tendulkar? What is his wife's name? What are the children's name? Where does he live? What was his father's name? How many runs he scored in this? How many? They know. And that is the key word for success. Knowledge. Don't come to me and say, I want to do this, I want to do this, I want to do this. It's a challenge. I'll ask you 3 questions. If you know the answer, I will sign up for contact with you now. It's as simple as that. We are running short of time, but before quickly taking audience questions, we'll like to know a story you would like to say, Sandeep ji. Any story you would like to say about films, about things you are doing, about your upcoming projects, about the audience, about the literature festival, about the Ahmedabad. Whatever you wish to share. People love you here in Ahmedabad. Look, I will tell you that the art is all about it. सिर्फ उस पर तजुर्बा आपका जुड़ा होता है तजुर्बे के साथ दूसरी प्रॉब्लम होती है तजुर्बा पुराना भी हो जाता है और उसमें नई चीज़ों की भी जरूरत होती है जैसे कि वो न्यू कमर होते हैं मैं उन्हें नया नहीं कहता हूँ मैं उन्हें ताज़ा कहता हूँ आप बाजार में जाते हैं तो कुछ चीज़ें आप ताज़ी खरीदते हो सब्जी ताज़ी खरीदते हो उसी तरीके से जो नई जनरेशन आती है वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें ताज़ी लेके आती है तो वहाँ पर मेरा ये कहना है कि ये जो दोनों कोऑर्डिनेशन है एक्सपीरियंस और जो ताज़गी है अगर ये मिलके और एक स्रोत बन के आगे बढ़े तो बहुत कुछ हो सकता है और अगर संदीप नाथ कुछ कर सकते हैं तो कोई भी कुछ कर सकता है तो मुझे ऐसा बिल्कुल तो बड़ी मुश्किल से ही कोई मिलेगा अगर मुझे ऐसे बिल्कुल का कुछ हो सकता है तो किसी का नहीं हो सकता थैंक यू वेरी मच संदीप जी वी टेक 4 to 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज यस प्लीज grace, both my brothers have grown to doing exceedingly well.
Gautam is the head of Apple in Austin in Texas. His wife teaches. His children have grown up. They're scholarship students. Dave is in Dubai making adverts. He has a wonderful wife and wonderful children. Both of them are very close. They are wonderful sons to their mother. They are wonderful brothers to me. They are wonderful fathers to their sons. They are doing exceedingly well. They drive Jaguars. I travel by bus. That's okay. So does Shravan travel by BMW. How much more can you ask God for? You come to a point in time where you have to give back. So every morning I wake up. Every morning I wake up and I say, thank you God. My mother is 82. She's fabulous. The brothers are fabulous. The bhabis are fabulous. The nephews are fabulous. The house is fabulous. Life is fabulous. How much more can I ask? And the joy of traveling by train and learning, people jostle me, somebody hits me, and first I used to be anger. Now I realize that tomorrow I can travel by bus. I am doing this for you, tell you. He is condemned to this all his life. These are huge lessons that I am learning and learning every day. I am still not perfect. But how much can you keep on taking? It's the time to give back. So I am giving back. But in the process, you're attracting me, I think it's very noble. I'm having a lot of fun. I'm enjoying myself, I'm laughing, I'm joking, I'm traveling, I was shooting in Bangkok last week, I'm making movies, I'm talking to people like you, I'm attending conferences, I'm curating film festivals, I'm working with children. Dear God, I mean, you know, I would dare not ask for anything. I would only from now say, शाहरुख खान से लेकर आप आज जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं जो पूरी लंबी जर्नी एक सवाल बहुत सबके पास पैशन है टैलेंट है अपना जो तरीके का एक्सपीरियंस है एक बड़ा डाइसी सी चीज आती है लक किस्मत तो एक तो दो पार्ट में क्वेश्चन है उसका क्या रोल है आपके एक्सपीरियंस है और दूसरा जब आप किसी को रॉ फॉर्म में देखते हैं किसी भी लड़के को लड़की को चाहे वो टेक्नीशियन है या एक्टर है या सिंगर व्हाटएवर आपके सामने आता हो फ्रॉम शाहरुख खान टू रिलेटेड जितने भी लोग आपके सामने आपको अंदाजा लगता है आपका सिक्स सेंस या फिर कोई ऐसी चीज महसूस की जा सकती है इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड ही कैन मेक अ मार्क ये दो चीज पे चलना चाहता हूं ऑडियंस की तरफ से आई स्टार्ट विद लक ऑल ऑफ अस हु हैव टू आईज आर लकियर देन दोस हु आर ब्लाइंड यस और नो ऑल ऑफ अस आर लकियर देन ऑल द स्पैस्टिक्स इन द वर्ल्ड द मेंटली रिटार्डेड दोस हु हैव कैंसर Those who are orphans, those who are abused, those who are raped. How much more luck do we want, Kya Sandeep? For all of us together in this room, you, me, him, we are already in the top 5% of the lucky children in the world. Iske baad aur bhi bologe, I want more luck. I don't have the courage for this. I don't understand it. God has given us all so much luck. So much luck that if all of us touch our feet and say thank you God from now till eternity it won't be enough. Trust me, we all have shoes, there's a lot of people who don't have feet. So let's understand luck is very important. Let us equally understand that God has given us so much luck that we should not ask for more. As far as the others concerned, we keep on talking about talent, dharma, passion, knowledge. As I said, I am not looking at your talent. I don't know what the director is going to make you do. All your talent in front of a director comes to zero because he's going to tell you what to do. I will give you an example. I'm a director. I say action, you do a shot, it's good. You do a second shot, it's better. The third shot is better. Fourth shot is the best. The editor uses the third shot, he doesn't like your face. Is it in your hands to give a performance? No. It is the editor to edit it correctly, the writer to write it correctly, the director to direct you correctly. It's film, it's not theatre. In film, your job is to sell tickets. The performance is in the director's hands. It's the same Nasiruddin Shah in a dirty, horrible performance called Jackpot. And it's the same Nasiruddin Shah in Morning Raga and Ishkia and other great movies. It's the same actor. It's what the director takes up. You bring a bunch of foreigners and show them Jackpot and say, listen, Mr. Shah is the finest actor in the country, there's a race. But it's not in his hands. Knowledge is in his hands. So if the director tells you, do you remember Al Pacino in Godfather? Do you remember that scene where that Jeep exploded? Do you understand the look in the eye? That's what I'm looking for. At that point, you turn around and say, I haven't seen Godfather.
your lack of knowledge, your lack of sensitivity will catch you up. I don't understand how people are under the impression that subjective things are going to make success. Objective things are going to make success. To go to the 10th standard, first standard we do ABC. No. Second standard we do BAT lab. Third standard we do CAT SAT, on man. Fourth standard we do the CAT, etc. 10th standard we do Shakespeare. They all come and they want to do Shakespeare, they all the first standard. They will not understand how to be successful. If they want to learn, there's a different issue. If they have come with dreams instead of goals, they won't have a problem. My job is to unravel and demystify things for them. That's all I can do. Thank you very much, Viveck ji. Sandeep ji, it was wonderful talking to you. We got a lot of information, a lot of knowledge, a lot of spirituality, a lot of peaceful things. That's, it was a very informative session. Thank you very much. Viveck ji will be launching the book of Shri Atul Khandani, Between Me and You, The Flight to Shakshat Moksha. It's again about this spirituality, corporate world and other things. Atul Khandani, please. I had a brief talk with Mr. Khanna outside, and what he told me, what little we talked about his book, was ingrained in such solid common sense that I understood the meaning. It is up to the audiences also to understand that today the world is dying in a bottomless pit of sanctimony and hypocrisy. We don't use those black phones, no, with the dials anymore. Newer phones came, then that smartphone came, then newer models came, yes or no? We have created ourselves. We used to drive analog cars, Fiat, Ambassadors. Now we drive automatics. Now we were upgraded to CNG, we will soon upgrade to electric. Why is it that except for our constitution, except for the archaic laws, except for religion, which need to be upgraded and upgraded first, we are upgrading everything else except these? That is the essential reason why what is happening is happening. It's what I got from it. It's what he's written to us. It's a very important message. I'd like Atul to say a few words about it himself. And thank you for writing the book. Thank you for the warmth with which you spoke it. The master sloping pen, the hull a mouth shape, the keel
their inauguration, public leaders must swear to uphold unwritten law and weep to atone for their presumption to hold office, and to affirm their faith that all life sprang from salt in tears which the sky god wept after he dreamt his solitude was endless. I came back from that frugal republic with my two arms, the one length. The customs woman having insisted my allowance was myself. The old man rose and gazed into my face and said that was official recognition that I was now a dual citizen. He therefore desired me when I got home to consider myself a representative and to speak on their behalf in my own tongue. Their embassies, he said, were everywhere, but operated independently, and no ambassador would ever be relieved. Thank you. I can't do too much better than what worthy words have been spoken about this effort. Between you and me is just what it says. It's an intimate conversation between us. The conversation says that we are governed by ideas ideated in the 19th century, executed in the 20th, and in my view are hopelessly inadequate to fire the potential of 600 million as just one fact of people under 25 in the 21st century. You guys are programmed to be this century's champions, its heroes, and the book is a small but sincere effort in the fight that you are not its victims. Flight to Societal Moksha simply makes one proposition. Much of the book is on governance, that assuming that we win this battle, what would we do different? That's very important. Many revolutions succeed, but then the outcomes fail. And so I stopped at some point and took on this journey of what would we do different. But the big point that I am making is, at least I grew up being told that the greatest goal of life is to free yourself from the cycle of birth and rebirth. I sidestep, I have nobody to question, but I say this is one life, and your biggest goal is to create a free, fair and beautiful society. After that, do what you want. May I now request publish my Bloomsbury and generally available everywhere. Thanks a ton.